अब खबर जो आ रही है वो आसाराम से जुड़ी हुई है और मुश्किलों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि ये मुश्किलें दुगनी तिगनी होने वाली है। अहमदाबाद ले आ जा चुके हैं आसाराम, उनके खिलाफ जम्मू की पुलिस ने भी अब जांच शुरू कर दी है। आसाराम के एक सहयोगी ने हाल ही में ये आरोप लगाया है कि जम्मू के आश्रम में 3 बच्चों की रहस्यमय हालत में मौत के बाद उन्हें आश्रम में ही दफन करके रख दिया। क्या आसाराम के जम्मू के इस आश्रम की जमीन में गड़ा है आसाराम के काले कारनामों का सच? जम्मू पुलिस अब इस बाबत सुराग तलाश रही है। कुछ दिन पहले आसाराम के पुराने करीबी भोलानाथ ने ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि 3 बच्चों के संदिग्ध हालत में मौत के बाद उन्हें आश्रम में ही दफना दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने जम्मू पुलिस को आरोपों की जाँच करने के निर्देश दिए थे। जम्मू पुलिस अब भोलानाथ को ढूंढकर पूछताछ की तैयारी में है। भोलानाथ जी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात हो, हम उनको यहाँ में पर बुलाएंगे और उन्होंने जो क्लेम किए हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे। जम्मू पुलिस को आशंका है कि सबूतों से छेड़खानी हो सकती है, लिहाजा आश्रम पर पहरा बिठा दिया गया है। हमने सर्विलेंस रखा है ताकि कोई जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको मद्देनजर कोई मिसचीफ ना करे, कोई वहाँ सिचुएशन चेंज ना कर पाए, इसके लिए हमने इसे सर्विलेंस लगा के रखा हुआ है। ये पहला मामला नहीं है जब आसाराम के आश्रम में बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा और अहमदाबाद के आश्रमों में बच्चों की रहस्यमयी हालात में हुई मौत की जाँच का नतीजे पर पहुँचना अभी बाकी है। वहीं जम्मू के आश्रम में इस नए मामले से आसाराम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।